लखनऊ से अगली खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास का घेराव किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने यह घेराव किया। भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन न करने का आरोप है। बड़ी संख्या में यहां कैंडिडेट्स पहुंचे हैं। स्वतंत्र देव सिंह के आवास के बाहर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। तो ये तस्वीरें 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर्स भी सरकार बांट चुकी है। 25 करोड़ इकट्ठा होने की उम्मीद। माफ कीजिए, ये जो कैंडिडेट्स आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि आरक्षण का ठीक से जो नियम है उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, लिहाजा इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसीलिए ये सभी असंतुष्ट कैंडिडेट्स जो है वो पहुंच गए हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर के बाहर और वहीं धरने पर बैठ गए हैं। स्थिति ना बिगड़े, एहतियात के तौर पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए हैं स्वतंत्र देव सिंह के घर के बाहर। ठंड का मौसम, ऐसे में घर के बाहर इस तरह धरने पर बैठे हैं ये तमाम अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में छात्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ घेराव किया गया उनके द्वारा, उन्हीं से जानेंगे क्या वजह है आज आप लोग अचानक से इतनी ठिठुरन में यहाँ पर घेराव करने पहुंच गए, क्या मांगे हैं? सर, हम लोग 15 तारीख से यहाँ रुके हुए हैं, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करना चाहते हैं और बेसिक शिक्षा जो परिषद है वहाँ के अधिकारी हम लोगों को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इन्होंने आरक्षण का इतना बड़ा घोटाला किया है, ओबीसी को इन्होंने सिर्फ 27% की जगह 3.86% आरक्षण दिया है। महिलाएं इतनी परेशान हो गई हैं कि हम लोगों को यहाँ आज प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ आना पड़ा, उनसे बात करनी पड़ी है। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं सर, 5 दिन से हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं सड़कों पे, मतलब हम लोग रात गुजार रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं सर। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। आज अध्यक्ष जी से आश्वासन मिला है कि मंडे को 11 बजे हम लोगों की मीटिंग होगी, हमारी सारी समस्याएं सुनी जाएंगी। आप लोग कहां कहां से आए? सर, हम झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील से आए हैं। पूरे 75 जिलों से लोग आए हुए हैं और जो आरक्षण ओबीसी का 27% है उसके अकॉर्डिंग 4% आरक्षण दिया गया है। इस बारे में हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार को माननीय शिक्षा मंत्री जी और बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ में मीटिंग करके अगर आपका आहित हुआ है तो आपके फैसले, आपका लाभ मिलेगा, आपके हक में जाएगा फैसला। ये तमाम लोग हैं जिनको, जो आज अचानक से जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर पहुंचे थे तो इनको अब पुलिस ने बस में बैठा करके ये ले जा रहे हैं, इनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। चूंकि प्रदर्शन कर रहे हैं तो यहाँ का जो इको गार्डन है वहाँ पर इनको ले जाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम ऐसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से जो परीक्षार्थी, जिन लोगों ने परीक्षा दी है वो लोग यहाँ पहुँचे हुए थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से गुहार लगाने के लिए, उनसे अपनी मांग रखने के लिए कि किस तरीके से इनके आरक्षण का जो हक था, जो इनका आरक्षण का जो जो दर थी, जो सीटें थी उसमें गड़बड़ी की गई, इन तमाम मांगों को लेकर अब ये पहुँचे हुए हैं। कई दिनों से ये परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी थे ये यहाँ पर धरना दे रहे थे, तमाम अफसरों से मिल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इनकी बात आचा आला अधिकारियों तक पहुँच सके, लेकिन सुनने वाला नहीं था, जिसकी वजह से आज ये लोग बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर पहुँचे हैं। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संतोष कुमार, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।